नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने संभाली कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों और रोड मैप पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के साथ 31 जुलाई से 9 अगस्त तक नई दिल्ली में क्रमबद्ध बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 31 जुलाई और 2 अगस्त को शाम 6:30 बजे उत्तर प्रदेश सांसदों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी 31 जुलाई को भाजपा के पश्चिमी ब्रज व कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र व 2 अगस्त को अवध काशी और गोरखपुर क्षेत्रों के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही रणनीति पर बातचीत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे है सदन के खलनायक। रामदास अठावले की बात सुन राज्यसभा में गूंज उठी हंसी। मणिपुर घटना को लेकर संसद में इन दिनों काफी हंगामा हो रहा है। विपक्ष जहां कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दे, वहीं सरकार का कहना है कि हम चर्चा को तैयार हैं। इसके बावजूद भी मानसून सत्र शांतिपूर्ण नहीं चल पा रहे हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा में गुरुवार को एक हल्का पल ऐसा भी देखा गया जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी क्लासिकल बॉलीवुड वाली अनूठी शैली में सदन को संबोधित किया। डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए टेंशन में आए सीएम केजरीवाल। स्वास्थ्य मंत्री और मेयर के साथ बुलाई गई बैठक। दिल्ली में हाल ही में आई बाढ़ के बाद डेंगू के मामलों में चिंताजनक वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर 12 बजे दिल्ली में सचिवालय में एक बैठक बुलाई थी। बैठक का उद्देश्य हाल के सप्ताहों में शहर में बढ़ रहे डेंगू के मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना है। गंभीर स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, मेयर शैली ओबरॉय और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जैसे इस क्षेत्र में मानसून की बारिश जारी है और डेंगू और मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे कई निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, लोगों को उमस से मिली राहत, तापमान में भी गिरावट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है जिससे लोगों को उमस से राहत मिली है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री से अधिक 25.8 दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 69 से 93% रहा। प्रादेशिक मौसम के विभाग के अनुसार सर्वाधिक तापमान यूनिवर्सिटी में कम रहा। राज्यसभा में टीएमसी सांसद के भाषण के बीच बोलने से नाराज हुए सभापति, दोनों में हुई तीखी नोकझोंक। मणिपुर के मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र हंगामेदार चल रहा है। शुक्रवार को भी हंगामे के साथ राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चल रही थी लेकिन तभी टीएमसी सांसद डेरेक ओ बारियन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब।